हेलो स्टूडेंट्स, तो हम पढ़ने जा रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर का चैप्टर इलास्टिसिटी, और इलास्टिसिटी में डिस्कस करने वाले हैं पॉइजंस रेशियो एंड देयर लिमिटिंग वैल्यू। तो वन बाय वन दोनों को समझेंगे। पहले समझते हैं क्या होता है पॉइजंस रेशियो। तो आपको मालूम होना चाहिए कि पॉइजन रेशियो सिंपली एक रेशियो है, और ये दो स्ट्रेन का रेशियो है। तो दो स्ट्रेन्स कौन कौन से हैं, उनका कौन सा किसको ऊपर रखते हैं और किसको नीचे रखते हैं, कैसे डेफिनेशन बनाते हैं, और क्या ये वैल्यू कांस्टेंट होती है, क्या इसकी यूनिट होती है, क्या इसका फॉर्मूला होता है, सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं पॉइजंस रेशियो। पॉइजंस रेशियो क्या होता है? द रेशियो ऑफ कौन सा रेशियो है? लेटरल स्ट्रेन, और दूसरा होता है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन इज कॉन्स्टेंट फॉर मटेरियल ऑफ अ बॉडी। दिस कॉन्स्टेंट इज नोन एज क्या बोलोगे इसको आप? इसको बोलोगे पॉइजंस रेशियो। तो इसको आपने बोल दिया है पॉइजन रेशियो, ठीक है। तो पॉइजन रेशियो सिंपली मिल गया कि पॉइजन रेशियो को आप सिग्मा से लिखते हो तो सिग्मा मिल जाएगा, ठीक है। अब इसको और कैसे बताते हो? इसको बताना यह है कि अगर आप ऐसा कहीं मिल जाए सिग्मा इज इक्वल टू आ गया लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ये दोनों का रेशियो होता है। अब इन दोनों का रेशियो होता है तो उसको हम अगर फिगर से समझना चाहें तो ऐसा समझ सकते हो कि पहले आपके पास कुछ ऐसा ब्लॉक था, ऐसी कोई रॉड थी, ठीक। इसका पहले कुछ लेंथ था, मान लीजिए लेंथ एल था, और इसका डायमीटर पहले क्या था? पहले डायमीटर इसका डी था, लेकिन इसको बाई अप्लाइंग सम फोर्स, तो इसको खींच दिया जाए, स्ट्रेस कर दिया जाए, तो क्या होने वाला है? जरा देखिए, जब इसको खींच देंगे आप तो इसकी लेंथ इंक्रीज कर जाएगी और डायमीटर थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। इसको अगर आप ऐसा खींच दोगे तो इसका शेप कुछ ऐसा हो जाएगा। आपने क्या देखा कि लेंथ तो इंक्रीज कर गई, अब इसकी लेंथ कितनी हो गई? इसकी लेंथ हो गई डेल्टा एल, और इसका डायमीटर क्या हो गया? डिक्रीज कर गया। इसका जो डायमीटर है ये डेल्टा डी, ये डिक्रीज हो गया, और जो डिक्रीज होता है उसको आप नेगेटिव से लिखते हो। तो यहाँ पर लेटरल स्ट्रेन कितना आ जाएगा? लेटरल स्ट्रेन आ जाएगा माइनस डेल्टा डी बाई डी, और जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आएगा वो क्या होता है? चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ, कितना आ जाएगा? डेल्टा एल अपॉन एल। तो यहाँ से एक नया फॉर्मूला मिल के आ जाता है, सिग्मा इज इक्वल टू आ जाएगा कितना? माइनस डेल्टा डी अपॉन डी इंटू एल बाई डेल्टा एल। तो इसको आप लिख सकते हो सिग्मा इज इक्वल टू माइनस एल बाई डी, और यहाँ हो सकता है कितना? माइनस यहाँ लगा दीजिए, माइनस डेल्टा डी बाई डेल्टा एल। तो ये भी एक फॉर्मूला आपको मिलके समझ में आया कि कैसे मिल रहा है फॉर्मूला, ठीक है। अब यहीं पर हम अगर ये कंसिडर कर लेते, क्योंकि हम दो डेरिवेशन जब इलास्टिक कांस्टेंट का रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं तो वहाँ बीटा अपॉन अल्फ़ा आता है। तो बीटा और अल्फ़ा के टर्म में अगर लिखना चाहें तो क्या आता है यहाँ से, ज़रा देखिए। इफ़ बीटा एंड अल्फ़ा आर क्या हो जाएँ? बीटा एंड अल्फ़ा आर, ये दो चीज़ें हो जाएँ, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो जाएँ। क्या हो जाएँ? लेटरल स्ट्रेन। If beta and alpha are lateral strain and longitudinal strain, per unit stress हो जाए। क्या हो जाए? per unit stress हो जाए। अगर beta और alpha आपके पास क्या हो? lateral strain हो, और दूसरा क्या हो? longitudinal strain हो, per unit stress, then
वैल्यू ऑफ सिग्मा क्या होगा, सिग्मा इज इक्वल टू होगा बीटा अपॉन अल्फा। आपको ये भी याद रखना है। और ज्ञान की क्या चीज़ें आपको चाहिए कि देखिए सिग्मा इज़ द रेशियो, सिग्मा इज़ द रेशियो, ये एक रेशियो है, रेशियो ऑफ टू स्ट्रेंस, ये दो स्ट्रेन का रेशियो है। और अच्छी बात ये है कि आपको क्या मालूम होना चाहिए कि रेशियो है तो कोई यूनिट नहीं होगी, मीन्स इट इज़ अ प्योर नंबर, सिग्मा इज़ अ प्योर नंबर, ये होता है प्योर नंबर, करेक्ट। अच्छा, प्योर नंबर है तो क्या इसकी कोई डायमेंशन होगी, कोई यूनिट होगी? नो, सिग्मा हैज़ नो यूनिट, इसके पास कोई यूनिट नहीं है, सिग्मा हैज़ नो यूनिट एंड नो डायमेंशन। तो ये छोटा सा एक लेआउट था, एक ओवरव्यू था कि पॉइजन रेशियो के बारे में आप क्या सोचते हो, क्या इन्फॉर्मेशन आपके पास है। तो सिंपली आपने पॉइजन रेशियो के बारे में समझा। अब आपको मैं समझाऊंगा कि पॉइजन रेशियो की लिमिटिंग वैल्यू क्या होती है, क्या होती है लिमिटिंग वैल्यू। पर उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, होपफुली आपने ले लिया होगा, ठीक है ले लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। अब हम समझेंगे कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो क्या होती है, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ पॉइजन्स रेशियो, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ, वैल्यू ए है यहाँ पर, वैल्यू ऑफ सिग्मा, तो ये समझना है। तो यहाँ पर आपको दो रिलेशन पहले से माइंड में होने चाहिए, एक प्रॉपर माइंडसेट होना चाहिए कि आप क्या करने जा रहे हो। तो आपको करना क्या है, सिग्मा की वैल्यूज़ के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है, समझाना है और समझना भी है खुद, ठीक है। कैसे समझते हैं, तो ये आपको पहले से मालूम है, एज़ वी नो दैट। अगर नहीं मालूम होगा तो फिर आप इस्टेब्लिशमेंट नहीं कर पाएंगे, वैल्यू एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे सिग्मा की। तो यहाँ क्या होगा, एज़ वी नो दैट, क्या मालूम होता है आपको, पहले y इज इक्वल टू पता है कि 3k, ठीक है y तो पता होगा, यंग मॉडुलस, k बल्क मॉडुलस, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1 प्लस 1 माइनस 2 सिग्मा, एक रिलेशन ये होता है y, k और सिग्मा में, एंड y इज इक्वल टू होता है 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा, दो रिलेशन होते हैं। तो मैं इन दोनों इक्वेशन को यूज़ करने वाला हूँ, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड, यूजिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, क्या मिल गया मुझे, इन दोनों को मैं इक्वल कर देता हूँ क्योंकि दोनों साइड में y है, यंग मॉडुलस है, तो क्या मिल गया मुझे, मुझे मिल गया 3k 1 माइनस 2 सिग्मा, और दूसरी तरफ से क्या मिल जाता है मुझे, दूसरी तरफ से मिल जाता है 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा, ये हमारे पास इक्वेशन आ जाती है थर्ड, क्लियर हो गई। अब यहाँ मुझे लगाना है केस, क्या लगाना है केस, देखिए केस नंबर फर्स्ट, इफ सिग्मा इज पॉजिटिव, अगर सिग्मा की वैल्यू पॉजिटिव हो तो क्या होगा, पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, इस टर्म को लेना है, दैट इज 1 माइनस 2 सिग्मा इज ग्रेटर देन 0, दिखाइए 0, तो क्या आएगा, 1 माइनस, ग्रेटर साइन लगा रहेगा, 2 सिग्मा उधर जाएगा, तो यहाँ से आएगा कितना, 2 सिग्मा, समझ बात आ गई, मैंने कुछ नहीं किया, किया क्या कि 2 सिग्मा को उधर ले गया मैं और ग्रेटर का साइन लगा रहा, यहाँ से 2 नीचे आया, 1/2 और साइन लगा रहा, इसको मैं क्या ले सकता हूँ, 1/2 की तरफ साइन है, तो सिग्मा यहाँ आएगा 1/2 और ये मैंने साइन ऐसे लगा दिया, तो सिग्मा की वैल्यू मुझे मिल गई कितनी, 1/2, मैं पॉजिटिव वैल्यू के लिए बात कर रहा था, ठीक है। अच्छा, अब यहीं से मैं बात करूँ केस सेकंड क्या आता है, इफ़ सिग्मा इज नेगेटिव, अगर मैं सिग्मा नेगेटिव कंसिडर करूँ तो मुझे क्या लेना चाहिए, दैट इज क्या मिलेगा मुझे, मुझे ये लेना है इस टर्म को, मतलब 1 प्लस सिग्मा इज ग्रेटर देन 0, क्या मिल गया यहाँ से मुझे, यहाँ से मुझे मिल गया 1 इज ग्रेटर देन माइनस सिग्मा, या फिर -1 ग्रेटर देन सिग्मा, या सिग्मा इज इक्वल टू हो गया -1, तो आपको दो वैल्यू सिग्मा की मिल गई,
कौन कौन सी वैल्यू सिग्मा की मिल गई, जरा देखिए यहाँ से थ्योरेटिकल वैल्यू क्या मिल गई, हेंस थ्योरेटिकल वैल्यू आपको मिल गई, वैल्यू ऑफ सिग्मा कितनी है यहां से थ्योरेटिकल, सॉरी यहां पे थ्योरेटिकल वैल्यू लिखी मैंने, और ये वैल्यू आपको थ्योरेटिकल वैल्यू कितनी मिल गई, सिग्मा लिखा आपने, सिग्मा की वैल्यू क्या आ रही है, सिग्मा की वैल्यू माइनस वन से ज़्यादा है और वन बाई टू से कम है। आप चाहे इसको ऐसा लिखिए, क्लियर, या फिर आप इसको ऐसा लिखिए, सिग्मा लिखिए और वन बाई टू की जगह पर क्या लिख सकते थे, यहाँ सिग्मा की वैल्यू है 0.5, चाहे तो इसको ऐसा लिख सकते थे, तो यहाँ पर कितना आएगा 0.5 और यहाँ पर आएगा माइनस वन, तो ये भी आप ले सकते थे। क्लियर हुआ कि मतलब माइनस वन से 0.5 के बीच में सिग्मा की वैल्यू लाइज करती है, ये थ्योरेटिकल वैल्यू है, ठीक है। अब हमको बात करनी है कि प्रैक्टिकल वैल्यू क्या होती है, और मोस्ट ऑफ द जो सॉलिड्स हैं उनकी वैल्यू कितनी लाइज करती है, क्या कैलकुलेशन करते समय मुझे वैल्यू मिलती है, उन सारी चीज़ों को समझना है। तो पहले ये आप इसको नोट कर लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए इतनी चीज़ें अगर क्लियर हो जाती हैं तो हम अब अपना जस्टिफिकेशन रखना चाहते हैं कि कैसे हम जस्टिफाई करें कि कौन सी वैल्यू एग्जिस्ट करती है और कौन सी एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। थोड़ा सा देखते हैं, अगर मैं बात करूं इक्वेशन फर्स्ट से, अगर मैं समझना चाहूं कि क्या 1/2 एक्सेप्टेड है, तो मैं क्या करना चाह रहा हूं, यूजिंग इक्वेशन क्या y इज इक्वल टू 3k 1-2 सिग्मा, मैं इसको यूज़ करने जा रहा हूँ। अच्छा, यूज़ करूँगा तो क्या मिलने वाला है, ज़रा देखिए यहाँ से मुझे मिल जाएगा कि k इज इक्वल टू आ जाएगा y/3 1-2 सिग्मा, और मैं सिग्मा की वैल्यू 1/2 यूज़ करना चाह रहा हूँ, ठीक। पुट सिग्मा इज इक्वल टू 1/2, तो k की वैल्यू कितनी आई, k की वैल्यू आएगी 1/3 1-2 × 1/2, मैंने 1/2 पुट कर दिया, 1/2 जैसे ही पुट करेंगे तो नीचे कैंसिल होगा और नीचे जीरो आ जाएगा, जीरो आएगा तो के की वैल्यू कितनी आ गई, के की वैल्यू इन्फाइनाइट आ गई। अच्छा, बल्क मॉडुलस इन्फाइनाइट आ गया, तो कंप्रेसिबिलिटी इसका उल्टा होता है, कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी जो कंप्रेसिबिलिटी होता है वो रेसिप्रोकल होता है 1/k का, और 1/k मतलब 1/∞, तो जीरो आ जाएगा। लेकिन ऐसा कोई मटेरियल होता ही नहीं जिसकी कंप्रेसिबिलिटी क्या हो, जीरो हो। इसका मतलब क्या हुआ, सिंस नो मटेरियल एग्जिस्ट हुज कंप्रेसिबिलिटी इज जीरो, ऐसा कोई मटेरियल नहीं होता जिसकी कंप्रेसिबिलिटी जीरो होती है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका तो केवल एक ही मतलब है कि 1/2 फिर नहीं एक्सेप्टेड है, हेंस सिग्मा इज इक्वल टू 1/2, मतलब ये एक्सेप्टेड वैल्यू नहीं है। प्रैक्टिकली सिग्मा की वैल्यू 1/2 नहीं हो सकती, ठीक, इतनी नहीं होगी, इससे कम होगी लेकिन 1/2 नहीं होगी, मतलब 0.5 नहीं होगी, आर सिग्मा इज नॉट इक्वल टू 0.5, मतलब ये वैल्यू नहीं होगी, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं क्या माइनस वन भी नहीं होगा, ठीक, तो इसको हटा देते हैं इस साइड से, देखिए इस साइड से हटाते हैं और माइनस वन के बारे में समझते हैं और फिर अपना रिजल्ट बनाते हैं। चलिए अब मैं क्या लिखता हूँ, यूजिंग, एक तो मैंने ये एक्सप्रेशन ये यूज़ करी थी, दूसरी ये यूज़ करने जा रहा हूँ, यूजिंग फॉर सिग्मा इज इक्वल टू, फॉर सिग्मा इज इक्वल टू माइनस वन, सिग्मा इज इक्वल टू, अच्छा सिग्मा की मैं लिख देता हूँ फॉर नेगेटिव वैल्यू
ऑफ सिग्मा क्या मतलब है? नेगेटिव वैल्यू ऑफ सिग्मा क्या है? नेगेटिव वैल्यू ऑफ सिग्मा क्या बताती है? नेगेटिव वैल्यू ऑफ सिग्मा इंडिकेट दैट क्या इंडिकेट करता है? देखिए इस यहाँ पे आपको बहुत कंसंट्रेट होना है, क्योंकि इस तरह की चीज़ें नॉर्मली आपको कम समझ में आती हैं, और मैं कोशिश कर रहा हूँ, डेफिनेटली कोशिश नहीं कर रहा हूँ, आपको समझा के ही मानने वाला हूँ, समझ में आएगा आपको। नेगेटिव वैल्यू ऑफ सिग्मा इंडिकेट दैट क्या इंडिकेट करता है? नेगेटिव वैल्यू ऑफ सिग्मा इंडिकेट दैट एक्सटेंशन इन वन डायरेक्शन आल्सो एक्सटेंशन इंक्रीजेस इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन which is practically not possible। क्या लिख रहा हूँ मैं समझाता हूँ आपको। practically not possible मैंने ये बताया कि जब आप फोर्स लगाते हो, जैसे मैंने इस मार्कर पे फोर्स लगाया और इसको फोर्स लगा के वन डायरेक्शन में खींचा, तो मैंने लिखा क्या है, नेगेटिव वैल्यू ऑफ सिग्मा इंडिकेट दैट। यहाँ से सोचिएगा, यहाँ से समझना है, एक्सटेंशन इन वन डायरेक्शन आल्सो एक्सटेंशन इंक्रीजेज इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, बस इतनी बात बोला ये जा रहा है। नेगेटिव का मतलब ये होता है कि अगर हम एक्सटेंशन वन डायरेक्शन में लगाएं तो एक्सटेंशन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी होना चाहिए, नेगेटिव का मतलब ये। मतलब ये कि हमने इसको खींचा तो इधर तो एक्सटेंशन होगा ही, साथ ही साथ इस लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी एक्सटेंशन होना चाहिए, जो कि प्रैक्टिकली होता नहीं। आप ऐसा खींच के देखिए, इधर तो इलांगेशन होगा बट इस इलांगेशन के परपेंडिकुलर मतलब इसको मोटा होना चाहिए। समझना ये है कि खींचने पर एक्सटेंशन परपेंडिकुलर का मतलब है कि खींचिए इलांगेट हो और साथ में मोटा भी हो, तो प्रैक्टिकली ऐसा कहाँ पॉसिबल है। तो यहाँ ये बात गलत हो गई, विच इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। हेंस आप क्या लिखोगे, हेंस सिग्मा इज इक्वल टू माइनस वन, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। नेगेटिव वैल्यू ऑफ सिग्मा इज नॉट पॉसिबल, मतलब माइनस वन जो होगा वो पॉसिबल नहीं होगा, नेगेटिव वैल्यू इज नॉट एक्सेप्टेड। तो ये बात हो गई, सिग्मा की वैल्यू एक्सेप्टेड ही नहीं है। तो होगा क्या, प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ सिग्मा क्या होगा, सिग्मा ये होगा कि माइनस नहीं होगा तो कहाँ से कहाँ लाइज करेगा। सिग्मा की वैल्यू लाइज करती है जीरो से 0.5 के बीच में, ये है इसकी प्रैक्टिकल वैल्यू। बट नोट रखिएगा आप ये कि फॉर मोस्ट ऑफ द सॉलिड वैल्यू ऑफ सिग्मा कितनी होती है, सिग्मा की वैल्यू जो होती है 0.2 से लेकर के 0.4 के बीच में लाई करती है। जितने भी सॉलिड्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द सॉलिड, उनकी वैल्यू जो सिग्मा की है वो इतनी ही लाई करती है। एक बार पूरा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिए प्रॉपरली मैंने सब कुछ एक एक चीज़ें लिख दी हैं, आप इसका नोट्स भी बना सकते हो। होपफुली आपका ये कंसेप्ट रिगार्डिंग पॉइजन्स रेशियो क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अगर आप संतुष्ट हैं और आपको एक एक चीज़ें समझ में आ रही, क्लियर हो रही हैं, तो आप वीडियो को आगे भी बढ़ाइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हाँ कमेंट ज़रूर कीजिए, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना है, शेयर तो मस्ट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।